अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ सिंपली टार्ट्स। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो सिंपली हम पतीली में भी बेकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने तवा रखा है और उसके ऊपर पतीली रखी है। पतीली इतनी बड़ी लेंगे कि मोल्ड आराम से आ जाए। और उसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है पतीली वाला, और उसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो प्री हीट करेंगे, जब तक जो है वो टार्ट्स की डो तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं मैदा ले रही हूँ। 24 टेबल स्पून मैदा लेंगे। मैदे को छलनी से छान लेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होगा, बस इसमें मैदा ही ऐड करेंगे। तो 24 टेबल स्पून जो है ना वो मैदा ले रही हूँ मैं। मैदे को छलनी से छान लेंगे और उसके बाद इसे साइड पे रख देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बेकरी स्टाइल टार्ट्स बनते हैं, लेकिन टेस्ट में भी जो है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं। और आसानी के साथ जो है ना वो पतीली में ही जो है वो मैं टार्ट्स बनाऊंगी। अगर माइक्रोवेव नहीं है, ओवन नहीं है, तो आराम से जो है ना वो पतीली में बेकिंग हो जाती है। तो यह मैदा जो है ना वो छान लिया है, और अब मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है 200 ग्राम। एक बाउल में अनसॉल्टेड बटर लेंगे 200 ग्राम, और इसे अच्छी तरह से जो ना इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो इसे विस्क से भी जो है ना वो अच्छी तरह से बीट कर सकते हैं। आज मैं टार्ट्स की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो सिंपली विस्क से भी जो है ना वो अच्छी तरह से बटर को बीट कर सकते हैं। और अगर ओवन नहीं है, माइक्रोवेव ओवन नहीं है, तो सिंपली पतीली में जो है ना वो बेकिंग हो सकती है। और आज मैं इसे मफिन ट्रे में बनाऊंगी। अगर टार्ट्स मोल्ड नहीं है तो मफिन ट्रे में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने बटर को अच्छी तरह से बीट कर लिया है, और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ पाउडर शुगर। 10 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड करी हूँ मैं इसमें, यानी कि 10 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड करी हूँ। पाउडर शुगर इतना जो है ना वो काफ़ी होगा, क्योंकि हम इसमें जैम जेली की फिलिंग करते हैं, क्रीम की या चॉकलेट की, तो उस लिहाज से इतना मीठा सही है। बाकी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 10 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर दी है, और पाउडर शुगर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से बीट करेंगे। फिर इसे जितना अच्छा इसे बीट करेंगे उतने अच्छे टार्ट्स बनेंगे। खाने में जो ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और बेकरी स्टाइल बनते हैं। अगर टार्ट्स मोल्ड नहीं है तो सिंपली जो है ना वो मफिन ट्रे में आज हम बनाएंगे टार्ट्स। तो यहाँ मैंने बटर और पाउडर शुगर को अच्छे से बीट कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ एक अंडा, और अंडा ऐड करने के बाद इसे फिर से अच्छे से बीट करेंगे। अच्छा, एक और बात बताऊं, अगर अनसॉल्टेड बटर नहीं है किसी कंपनी का, तो सिंपली जो दूध पे से जो है ना वो मलाई उतरती है, उसका मक्खन बनाते हैं। उसका भी जो है ना वो केक्स या बिस्किट्स वगैरह बनाए, मफिन्स वगैरह या टार्ट्स वगैरह, तो उसका भी टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। सुनना, जब दूध पे से मलाई जमा हो जाती है तो मलाई उतार के जो है वो बाउल में जो है ना जमा कर लेती हैं, और उसके बाद जब वो काफ़ी सारी हो जाती है तो उसके बाद उसका मक्खन या घी बना लेती हैं। तो उसका जब हम केक्स वगैरह या चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। खानों में भी इस्तेमाल करो जब भी, और अगर बेकिंग में भी इस्तेमाल करो तो जब भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने पाउडर शुगर और बटर और अंडा जो है वो बीट कर लिया है अच्छे से, और उसके बाद मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ। 24 टेबल स्पून मैदा है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे फोल्ड करते जाएंगे। बेकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लाजमी केक्स वगैरह या बिस्किट्स और टार्ट्स वगैरह जो है ना वो बनाती रहती हूँ फैमिली के लिए, और अलग अलग जो है ना वो तरीके इस्तेमाल करती हूँ, अलग अलग आइडियाज़ कि किस तरह से हम जो है ना वो अच्छी बेकिंग जो है वो कर सकते हैं आसानी के साथ। और अभी जो है ना मैं पतीली में ही, मैंने लास्ट टाइम जो है वो पतीली में केक बनाया था, और अभी मैं टार्ट्स भी जो है ना वो पतीली में ही बनाऊंगी। तो अगर ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो लाजमी बेकिंग करिए, बनाइए फैमिली के लिए, तो अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है चीज़ों का, पतीली में भी अच्छी बेकिंग हो जाती है। तो यहाँ मैंने मैदा जो है ना वो सारा ऐड कर लिया है, और अब इसे हाथ से जो है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि ये डो जो है ना वो अच्छी सी बन जाए। तो जो है ना वो तैयार हो गई है, 10-15 मिनट के लिए उसे साइड पे रख देंगे। और मफिन ट्रे है, इसमें मैं रख रही हूँ पेपर कप। पेपर कप नहीं है तो मफिन ट्रे को भी ग्रीस करके इसमें भी टार्ट्स रख सकते हैं। तो यहाँ ये ट्रे तैयार है, इसे साइड पे रख देंगे, और अब जो है ना वो टार्ट्स बनाएंगे। डो जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है इसकी, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आराम से और एहतियात के साथ जो है ना वो टार्ट्स बनाने पड़ते हैं।
अभी मैं मैदा डस्ट करके डो को बेल लूंगी। इसे थिन बेलना है क्योंकि अगर इसे मोटा रखेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। और इसे बिल्कुल ही जो है ना वो थिन बेलना है, और थिन जो है ना वो बेलने के बाद भी ये जो है ना वो थोड़े से फूल जाते हैं, थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है ना वो फूला हुआ हो जाता है, तो इसलिए इसे लाजमी थिन बेलना है। हालांकि इसमें जो है ना वो बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो थोड़े से थिक हो जाते हैं बेक होने के बाद। तो अभी मैं इसे बिल्कुल थिन रोल करेंगे और उसके बाद कटर से इसे कट कर लेंगे। इसकी डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, लेकिन इसे अगर आप हाथ से भी सेट करेंगे ना तो ये सेट हो जाएगी। अगर ये टूट रही है या क्रैक हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही नहीं बनेगी। इसे हाथ से सेट कर लें बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ जो है ना मैंने बिल्कुल थिन रोल कर लिया है और उसके बाद में ग्लास से ही इसे जो है ना वो गोल शेप में कट कर रही हूँ। अगर कटर है तो कटर से कट कर लें, उसके अलावा अगर ग्लास है तो ग्लास से कट कर लें। तो यहाँ जो है ना वो टार्ट्स तैयार है। इसकी साइड की जो डो है वो हटा देंगे और इसके बाद अब इससे जो है ना वो मफिन्स ट्रे में रखेंगे पेपर कप पे। वैसे ये बहुत ही सॉफ्ट होती है तो इसे जो है ना वो छुरी से जो है वो करके उठा लें इस तरह से, और उसके बाद पेपर कप पे रख दें। अगर पेपर कप नहीं है तो मफिन्स ट्रे को जो है ना ग्रीस करके उसमें भी रख सकते हैं इसी तरह से, और अगर टार्ट्स मोल्ड है तो उसमें भी जो है ना वो इसे बना सकते हैं आसानी के साथ। और अगर मफिन ट्रे भी नहीं है तो अगर कोई पतीली है छोटी सिल्वर की तो उसमें जो है ना वो पेपर कप रखें, ऊपर उसके टार्ट्स रखें और पतीली में जो है ना वो आसानी के साथ बेक कर लें। इस तरह से भी जो है ना वो टार्ट्स बन जाएंगे। और अभी मैं इसमें जैम जेली फिल कर रही हूँ। वैसे इसे जो है ना वो अलग अलग तरीके से जो है ना वो बनाया जाता है, जैम जेली फिल कर लें या फिर इसे टार्ट्स को जो है ना पूरा कंप्लीट बेक कर लें और उसके बाद फिर इसमें जैम जेली की फिलिंग करें या चॉकलेट की करें या क्रीम की करें। तो यहाँ टार्ट्स तैयार हो गए थे, मैंने जैम जेली फिल करी है और अब मैं इसे पतीली में रख रही हूँ जो पहले से ही प्री हीट करने के लिए रखी हुई थी। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसे हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए जो है ना वो बेक करेंगे। 10 से 12 मिनट में जो है ना कम्प्लीटली बेक हो जाएंगे और टार्ट्स जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ हाई फ्लेम पे इसे कवर करके 10 से 12 मिनट बेक करेंगे। जी तो तकरीबन इसे बेक होते हुए 12 मिनट हो गए हैं और इसका लुक जो है ना वो देख सकते हैं, और इसका कलर भी मैंने इसे पतीली में ही बेक किया है। और अगर इसे ओवन में बेक करेंगे तो 180 डिग्री पे इससे 7 से 8 मिनट जो है ना वो बेक करेंगे। तो यहाँ मज़े वाले टार्ट्स तैयार हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आसानी के साथ जो है ना वो मैंने सारा आपको बताया कि किस तरीके से इसे आसानी के साथ बना सकते हैं घर पे ही। ये थोड़े जो है ना वो सॉफ्ट होते हैं जब हम इसे निकालते हैं पतीले से या ओवन से, लेकिन इसे थोड़ी देर बाहर रखेंगे तो ये जो है ना वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं बिस्किट की तरह ही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉफ्ट हो रहे हैं तो ये कच्चे हैं, बिल्कुल पके हुए ही हैं और थोड़ी देर में जो है ना ये बिस्किट की तरह हार्ड हो जाएंगे। तो यहाँ ये टार्ट्स जो है ना वो तैयार है और देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जो है ना वो मैंने पतीली में ही इसे बेक किया है। यहाँ इस तरह जो है ना वो टार्ट्स बनाकर इसे एयरटाइट जार में भी रख सकते हैं। तो जब मैं अपनी फैमिली के लिए टार्ट्स बनाती हूँ तो इस तरह से जो है ना ग्लास का एयरटाइट जार है उसमें इसे भर के रख देती हूँ, और उसके बाद जब सर्व करना हो या मेहमान वगैरह आते हैं जब उनके आगे मुझे लगाना होता है तो उस वक्त जो है ना मैं इसमें क्रीम की फिलिंग कर लेती हूँ या जैम जेली की या चॉकलेट की। तो इस तरह से जो है ना वो जार में करके इसे रख सकते हैं, और जब सर्व करना हो खाना हो तो जब इसमें फिलिंग करके इसे आसानी के साथ जो है ना वो खा सकते हैं, बहुत ही मजे के बनते हैं टेस्ट में। तो मुझे यहाँ पर जो है ना वो क्रीम की फिलिंग भी करनी थी और इसकी और वैरायटी भी जो है ना वो दिखानी थी, लेकिन बस थोड़ी परेशानी हो गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इसमें जो है ना वो क्रीम की फिलिंग नहीं कर सकी और वैरायटी इसकी नहीं दिखा सकती। लेकिन सेम रेसिपी यही है, बाकी फिलिंग आप अपने हिसाब से भी इसमें कर सकते हैं। क्रीम जो है उससे मैं पाउडर शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करके उसे व्हिप करके क्रीम फिल कर लें, जैम जेली या चॉकलेट या इस तरह से जो है ना वो आप इसमें कर सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मक्खन में जो है ना वो थोड़ा सा सौते करके वो भी ऐड करके इसे बेक कर सकते हैं।
टार्ट्स को बना के एयरटाइट जार में रख लें, उसे जो है ना वो 1 वीक तक जो है वो सेव कर सकते हैं। वैसे जब मैं टार्ट्स बनाती हूँ तो 1 वीक से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, और इंशाल्लाह टार्ट्स की जो है ना वो और दूसरी रेसिपी में शेयर करूँगी, और उसकी और वैरायटी भी जो है ना वो शेयर करूँगी। तो मैं टार्ट्स मोल्ड में ही बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो बस ये एक सिंपल सी इजी सी रेसिपी थी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की, तो बनाइए, इंजॉय कीजिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए।